हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। तो सारे बच्चे, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? इंग्लिश पढ़ेंगे, और इंग्लिश के अंदर भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके अंदर से एग्जामिनर 100% क्वेश्चन डालेगा पेपर के अंदर, एक नहीं दो दो क्वेश्चन डालता है एग्जामिनर इस टॉपिक में से। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वॉइस का। अगर आप लोगों को वॉइस के वी का भी नहीं पता ना, तब भी आज हम लोग इस क्लास के अंदर आपके वॉइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, और है ना, एक बात बता दूं आप लोगों को, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीखेंगे हम लोग, ठीक है? क्वेश्चन आपके सामने होगा, एग्जाम के अंदर आपने कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ना कोई रूल याद करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन देखना है, ऑप्शन देखना है, अपने आप आंसर पे पहुंच जाओगे, अपने आप, बिल्कुल ही ट्रिक के साथ, मजेदार ट्रिक के साथ हम लोग इस क्लास को करेंगे। ना कोई थ्योरी, ना कुछ और, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आया और आप लोगों ने सोल्व कर दिया। और क्लास कैसी लगेगी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ताकि मेरे को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई, बच्चों को सीरीज पसंद आ रही है, बच्चे कुछ सीख रहे हैं, तो ये सारी चीजें मेरे को पता होनी चाहिए ना। तो आप लोग कमेंट जरूर किया करो, बुरी लगे तब भी कमेंट कर दिया करो, ठीक है? बुरी लगे तब भी बताया करो कि मैम ये चीज बुरी है, तो आप उसको ठीक करो, मैं ठीक करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ओके? तो अब अपनी सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं, आज वाली क्लास को, और शुरू से लेकर लास्ट तक हर बच्चा क्लास को देखेगा, और लास्ट में जाने के बाद फिर कमेंट करना कि हाँ मैम, वॉइस समझ में आई या नहीं आई, लास्ट में बताना, क्योंकि पूरी वीडियो देखने से पहले तो आप लोग बता ही नहीं सकते ना कि आपको कैसी लगी क्लास। तो लास्ट में जाके आपको पता चलेगा हाँ भाई, क्लास में दम था या नहीं था, तो उसके हिसाब से फिर आप लोग मेरे को बता जरूर देना। तो अपने बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जो आज वाली क्लास है ना भाई, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि आज वाली क्लास के अंदर हमारे इंग्लिश के 4 से 5 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है? इन 4 से 5 टॉपिक के अंदर एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है, और आएगा 100% आएगा, क्योंकि जो हमारे टॉपिक है वो है आपके वॉइस का, नरेशन का, एडजेक्टिव का, मोडल्स का, सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो हम आज वाली क्लास में लेके आए हैं। तो फटाफट से सभी जुड़ जाओ, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, गुड मॉर्निंग सभी को, फटाफट से आ जाओ भी, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। फर्स्ट देखो, आपके सामने आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो ये किस चीज़ का क्वेश्चन है? ये है आपका वॉइस का, ठीक है? एक्टिव वॉइस आपको दे रखी है, पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। गुड मॉर्निंग सभी को। तो देखिए भाई, मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को बता देती हूँ वॉइस के अंदर हमारा क्या होता है। वॉइस के अंदर हमारा क्या होता है, जैसे सपोज करो आपको एक लाइन दी कि ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, इसके अंदर क्या कर रखा है, सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दे रखी है, सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दे रखी है, ठीक है? फिर हमने क्या करना है, जब इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे तो हमने ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी है, सब्जेक्ट को एज ए ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करना है, और जो आपकी वर्ब है उसको कैसे यूज़ करेंगे, उनके कुछ रूल्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है भाई? तो अब क्या करो, अपना कॉपी पेन ले लो हाथ में, और फटाफट से जो चीज़ें बता रही हूँ वो इसके वॉइस से रिलेटेड वो लिखते जाओ आप लोग। सबसे पहले देखिए, सपोज करो आपको टेंस नहीं आते, आपको कुछ भी नहीं पता कि प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, कुछ भी नहीं पता आपको, लेकिन आपको इतना पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। जहाँ पे भी सेंटेंस के अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, तो उसकी जगह पे आप लोग क्या लगा देंगे, इज एम आर लगा देंगे, ठीक है? वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे, वहाँ पे वॉज वर लगा देंगे, ठीक है जी? और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई सी भी वर्ब की फॉर्म दे रखी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में लगाओगे हर हालात में, ठीक है? ठीक है भाई, क्या करना है आप लोगों को, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर हालात में लगानी ही लगानी है, ठीक है जी? नेक्स्ट क्या था आपका, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने दो रूल बताए, इसके अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या था आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर मैंने बोला था कि इसको क्या करेंगे, इज एम आर में चेंज करेंगे। क्लास बिल्कुल भी रुकी हुई नहीं है, आप कंटिन्यू करें, इज एम आर में चेंज करेंगे,
और जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के रूप में, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है भाई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में कैसे सोल्व करते हैं, मॉडल्स भी हैं भाई आज वाली क्लास के अंदर, वो देखिए एक बार आप लोग कैसे चेंज करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो, आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर पर्सन के बारे में सुना होगा, फर्स्ट पर्सन के अंदर आपका आई और वी आते हैं, ठीक है जी। सेकंड पर्सन के अंदर आपका यू आता है, ओके। थर्ड पर्सन के अंदर आपका ही, शी, इट और कोई भी नाम, ये आते हैं आपके थर्ड पर्सन के अंदर। इतनी बातें आप सभी को पता होनी चाहिए। आई आ गया तो आई की फैमिली भी इसी में आएगी, यानी आई, माई, मी। वी आ गया तो वी की फैमिली भी इसी में आएगी, वी, आवर, अस, ओके। यू आया है तो यू की फैमिली भी इसी में आएगी, यू, योर, यू, ठीक है। ही वाले में ही, हिज, हिम। शी वाले में शी, हर, हर। इट वाले में इट्स, इट्स। और नाम तो नाम ही रहता है भाई। अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप लोगों को ये वाली बातें पता होनी चाहिए, और पता भी है ऑलरेडी, है ना। अगर ये बातें आप सभी को पता है तो एक बार बता दो फटाफट, जी मैम हमें पता थी। और जो ये फर्स्ट लाइन होती है ना, फर्स्ट लाइन, मेरे को ये बता दो ये कौन सा केस होता है, ये जो तीनों है आपका, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये कौन से केस है वो बता दीजिए। फर्स्ट लाइन है, ये है सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। इसको सब्जेक्टिव केस क्यों बोलते हैं, किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको जो ये चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें, ये हमेशा शुरू में मिलेंगी, लास्ट में नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, लास्ट में नहीं मिलेगी। बीच वाला जो केस है ये है आपका पोजेसिव केस। क्या होता है ये पोजेसिव केस, ये हमेशा पोजेशन दिखाएगा, किसी चीज़ के ऊपर आपका अधिकार दिखाएगा, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ तुम्हारी है, ये चीज़ उसकी है। ठीक है जी, ये वाला होता है पोजेसिव केस, मेरी है, हमारी है, तुम्हारी है, उसकी है, उसकी है, इसकी है। और जो ये लास्ट वाली लाइन होती है ना आपकी, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस, यानी ये हमेशा एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में आपको सेंटेंस में मिलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं आप लोगों को बोल दूँ, अभी जैसे हम वॉइस के क्वेश्चन करेंगे, अगर मैं आप लोगों को बोल दूँ कि भाई आई को, है ना, आई को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करो, तो आपने बोलना है मी। मैं बोल दूँ अस को सब्जेक्टिव केस में चेंज करो, तो आपको बोलना है वी। ठीक है, ये बातें सभी को समझ में आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये वाला ठीक है भाई। सेंटेंस हमारा कैसे होता है, सब्जेक्ट होता है शुरू में, वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस, सपोज करो यहाँ पे अस था, तो अस को हम क्या कर देंगे, वी में चेंज कर देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस, और इस वाले को पीछे लाके बाय लगाना ही लगाना है हर सेंटेंस के अंदर, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट, लेकिन एज यूं का यूं एज इट इज सब्जेक्ट नहीं आना, क्या आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, इज एम आर लगा दो, सेकेंड फॉर्म है वॉज वर्ब लगा दो, थर्ड फॉर्म हमेशा लगानी ही लगानी है, थर्ड फॉर्म तो लगेगी लगेगी। इतनी बात तो हर सेंटेंस के अंदर करनी है, चाहे वो कोई भी सेंटेंस आ जाए। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ है ना कि भी इज एम आर आएगा, वॉज वर आएगा, बीन आएगा, बींग आएगा, वो हम साथ के साथ करते चलेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इतनी बात बेसिक थी, बिल्कुल आप सभी को पता होगी ये मान के चल रही हूँ मैं। तो अब ये क्वेश्चन कीजिए भाई, पहले हमने क्या किया, यहाँ से ऑब्जेक्ट उठाया, अ मैंगो ट्री, अ मैंगो ट्री, थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन तो यूं का यूं रहेगा, अ मैंगो ट्री। ठीक है जी, उसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे वर्ब लगानी है,
तो वर्ब यहाँ पे देखो प्लांट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैंने बताया था जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए वहाँ पे आप इज एम आर में चेंज करोगे, इज एम आर में चेंज करोगे। तो मैंगो के अकॉर्डिंग, अब मैंगो ट्री के अकॉर्डिंग इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, बताओ बताओ भाई। सन वाला फार्मूला भी लगेगा, सन वाला फार्मूला नरेशन के अंदर लगता है, ठीक है, नरेशन के अंदर लगता है जी सन वाला फार्मूला। अभी हम नरेशन करेंगे ना उसमें लगाएंगे ये फार्मूला। तो देखो भाई इज एम आर मैंगो ट्री के अकॉर्डिंग आएगा, इज सिंगुलर है ये, इज आएगा। उसके बाद मैंने बोला वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर हाल में लगानी है, तो क्या आ जाएगा, प्लांटेड आ जाएगा, ओके जी। फिर मैंने बोला था बाय लगाना है, लगा दिया। फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस, ही वाली फैमिली में ही हिज हिम, तो क्या आ जाएगा लास्ट में, हिम। तो ये बन जाएगा अ मैंगो ट्री इज प्लांटेड बाय हिम, ठीक है भाई, बी ऑप्शन आपका राइट है। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें इतनी देर क्यों लगी, क्यों लगी भाई इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें रूल्स नहीं पता थे। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड अपनाना है और फटाफट सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ना भी नहीं है, उससे पहले आंसर दे देना है। तो देखिए कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, किस में चेंज, वॉज वर्ब में चेंज। अब हमें सिर्फ वॉज वर्ब वाला ढूंढना है, ठीक है, वोज है वोज है वोज है वोज है, ओफो ये तो बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है, वरना कहीं सेंटेंस यहीं पे एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर हमें क्या देखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर हालत में देखनी है, थर्ड फॉर्म आई नहीं आई। उसके बाद बींग कहाँ से आ गया, बींग का तो कोई मतलब ही नहीं था, ये तो आई एन जी वाले में आता है, ख़त्म करो इसको। थर्ड फॉर्म आई नहीं आई, तो सेकेंड ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है जी। अभी हमें क्या करते चलना है, एलिमिनेशन मेथड से फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करते चलना है। और इतने थोड़े बच्चे देख रहे हो, फटाफट से वीडियो शेयर करो पहले। सोनिया रिपीट करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही आएंगे 10-15 क्वेश्चन, वो इसके अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो कीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला कीजिए पहले, ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए। शालिनी विल सबमिट द वर्क एट इवनिंग। अभी देखिए जो आपके मोडल्स होते हैं ना भाई, मोडल्स जैसे फर्स्ट फॉर्म थी वो इज एम आर में चेंज हो जाती है, तो मोडल्स किस में चेंज हो जाएगी, मोडल्स के साथ बी लग जाएगा, यूं का यूं रहेगा मोडल। विल और शैल तो आपस में हो जाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, लेकिन जैसे कैन है तो कैन ही रहेगा, ठीक है। नहीं पुलिस का थर्ड फॉर्म कैसे होएगा, पुलिस तो नाउन है, नाउन की थर्ड फॉर्म थोड़ी ना होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। बी ढूंढना है भाई, मोडल्स के साथ बी मिलना ही मिलना चाहिए, यहाँ पे बी आया हुआ है, ये आंसर हो सकता है, एक बार इसको बचा के रखो, ठीक है। हैव बीन आ गया, इसका तो कोई काम ही नहीं था, हैव बीन आ गया, इसका कोई काम नहीं था। यहाँ पे विल बी, यहाँ पे वुड बी। अब मैंने क्या बोला था, विल शैल ही रहेंगे, वुड में चेंज नहीं करना, तो यहाँ पे वुड कहाँ से आ गया, हटाओ इसको भी। तो आपका जो ऑप्शन है वो सी इज़ द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। साफ दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए भैया आप लोग, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही वाला तरीका अपनाना है, वही वाला सेम टू सेम। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट रूल लिखो, जो हैज है वो होते हैं ना, वो हैज हैव ही रहते हैं, साथ में क्या ले आएंगे, बीन ले आएंगे, बीन। हैज हैव ही रहते हैं, हैज हैव ही रहते हैं, साथ में क्या ले आएंगे, बीन ले आएंगे, ठीक है जी। तो हमें बीन ढूंढना है, बीन यहाँ पे तो कोई बीन नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, कैंसिल करो, यहाँ पे बीइंग आया हुआ है, बीन नहीं दिखाई दे रहा, कैंसिल करो। यहाँ पे ठीक है भाई हैज़ बीन है, यहाँ पे भी हैज़ बीन है। अभी हम क्या रूल देखेंगे, जो हमने किया था ये वाला, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा शुरू में, सब्जेक्ट चला जाएगा बाद में। तो जो द टीचर है ये कहाँ पे जाना चाहिए, बाद में जाना चाहिए, बाय द टीचर, इसमें भी बाय द टीचर है, और किस्मत आपकी कि इसमें भी बाय द टीचर है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है, अभी हमें क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो देखिए भाई एग्जैक्ट वर्ब के बाद
ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है आपका ऑब्जेक्ट। और जो अ वेरी दो असाइनमेंट है ना, अ वेरी टफ असाइनमेंट है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन है। तो इसके अंदर से मी में मी को अगर हम चेंज करते हैं तो कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा, ठीक है जी। तो हम क्या उठा लेंगे, अ वेरी टफ असाइनमेंट, तो अ वेरी टफ असाइनमेंट ये वाला आपका राइट है, ठीक है जी। गिविंग कहाँ से आ गया, गिविंग नहीं आएगा, गिव है, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, गिवन ही आएगा, गिविंग तो आने का कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल दो ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन है जी, ठीक है। अगर दो ऑब्जेक्ट वाला आ जाए तब भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा भाई, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया था। बताइए हैज हैव वाला है, मैंने बोला था, फिर से बताती हूँ, हैज हैव ही रहेंगे, प्लस में बीन लग जाएगा, बीन को ढूंढ लो, बीन को ढूंढ लो भाई। इसमें तो बीन दिखाई नहीं दे रहा, हट गया, इसमें भी बीन दिखाई नहीं दे रहा, दो ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है जी, दो ऑप्शन तो सीधे सीधे हट जाएंगे। छोटा भीम, ट्रिक्स ही तो बता रही हूँ, रूल्स तो मैंने करवाए ही नहीं, मैं तो ट्रिक ही बता रही हूँ, ये ट्रिक ही तो है आपकी, सेंटेंस तो हमने पूरा पढ़ा ही नहीं, लेकिन इतनी चीज़ तो याद करनी पड़ेगी भाई कि भी जहाँ पे हैज आएगा वहाँ पे बीन लगाना है, जहाँ पे आई एन जी आ जाएगा वहाँ पे बीन लगाना है, ये बातें तो आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। स्कूल में ऐसे रूल करवाते थे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट है, ऐसे आएगा वोज वर में चेंज हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग, मैंने तो शॉर्टकट बताया आपको। तो देखिए भाई दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं आपके। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था हैज़ हैव है तो हैज़ हैव खुद की फैमिली में रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी हैव लगा दिया, यहाँ पे भी हैव, हो सकता है दोनों, फिर वही बात है, द प्रिजनर क्या है आपका सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट कैसे रहेगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो रहता ही नहीं, सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट में जाता है, बाय द प्रिजनर आएगा, तो सी आपका राइट आंसर है, सी आपका राइट आंसर है, ठीक है जी। समझ में आ गया होगा सभी को, बिल्कुल आ गया होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन कीजिए भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम रेस्क्यूड द फ्लड विक्टिम्स, वर्ब की तरफ जाओ बस, हमें पूरा सेंटेंस नहीं देखना, सिर्फ वर्ब की तरफ जाइए, चले गए, वर्ब की है सेकंड फॉर्म मैंने बताई थी वोज वर्ब में चेंज होएगी, सेकंड फॉर्म किस में चेंज होएगी, वोज वर्ब में, तो वोज वर्ब ढूंढ लो, यहाँ पे तो ठीक है वोज वर्ब आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वोज वर्ब नहीं है, हटा दो, यहाँ पे भी वोज वर्ब नहीं है, हटा दो, यहाँ पे भी वोज वर्ब नहीं है, हटा दो, बन गया ना अपना ए ऑप्शन राइट है, ठीक है जी। समझ में आ रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है, तीनों तो एलिमिनेट ही हो गए, हमने पूरा सेंटेंस तो पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट चलिए सोल्व कीजिए, सोल्व करो भाई, इसको सोल्व करो, बताओ फिर मेरे को आंसर जल्दी जल्दी। द सेंट्रल टीम विजिटेड, हम लोगों ने विजिटेड पढ़ लिया, तो विजिटेड पढ़ा है तो ये तो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वोज वर्ब में चेंज होती है, मेरे को वोज वर्ब ढूंढ के दिखाओ कौन से सेंटेंस के अंदर दिखाई दे रहा है, जल्दी से फटाफट बताइए भाई, सेकंड फॉर्म है वो विजिटेड तो वोज वर्ब आएगा, इसमें तो वोज वर्ब है नहीं, हैड है, कट गया, इसमें विजिटेड कहाँ पे है, इसमें विजिटेड ही गायब कर दिया, वेरी गुड, हटा दो इसको, फिर इसके अंदर विजिटेड कहाँ है, ये भी गायब है, ठीक है, तो आपका ये बच गया डायरेक्ट वर्ब विजिटेड, बी ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट है, बिल्कुल बहुत अच्छे, सभी बी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, समझ आ रहे हैं क्वेश्चन, सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम के अंदर, सॉल्व हो जाएंगे ना। उसके बाद देखिए भाई, नेक्स्ट आप लोगों के सामने ये रहा क्वेश्चन,
हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, सारे के सारे रूल्स क्वेश्चन में ही सॉल्व हो जाएंगे। जल्दी बताओ भाई, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़, हमने तो सिर्फ इसको पकड़ना है, ठीक है जी। अभी बताया था हैज़ हैव ही रहेगा, बीन लग जाएगा, बस बीन को ढूंढ लो, और हैज़ हैव ही रखने हैं, हेड में चेंज मत करना। यहाँ पे तो हेड आ गया, हटा दो, यहाँ पे हैज़ हैव आया ही नहीं, हटा दो, हेड आ गया, हटा दो। डी ऑप्शन आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अ बैन ऑफ स्पिटिंग इन पब्लिक हैज़ बीन, ऑप्शंस का यही तो फायदा है, ऑप्शंस का यही तो फायदा है, बाकी सब कुछ सेम देंगे। डिंपल बोल रही है एक को चेंज करना होगा, बाकी सब कुछ सेम देंगे। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी क्वेश्चन मैंने उठाए हैं ना, सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं, तो ये एग्जामिनर ने ही दे रखे हैं, मैंने अपने पास से कोई ऑप्शन नहीं बनाई, ठीक है जी। तो ऐसा ही आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, डरने वाली बात है नहीं कुछ भी। इसको देखिए भाई, आ गया अपना ING वाला, जिसका मैं अब तक वेट कर रही थी। रूल देखिए, रोते हैं हम लोग, ये तो ख़त्म हो गया। देखो भाई, जहाँ पे इज एम आर और वर्ब की ING फॉर्म आई हो ना, तो ये किस में चेंज हो जाता है, इज एम आर यूं का यूं रहेगा, अपनी फैमिली में घूमेगा, और ING के लिए क्या लग जाएगा, बींग लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बींग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमने लगानी ही लगानी है, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो तो लगानी है। ऐसे ही सेम टू सेम काम वॉज वर के साथ करना है, वॉज वर और ING, वॉज वर का वॉज वर ही रहेगा, ठीक है। ING के लिए क्या आ जाएगा, बींग आ जाएगा, ओके जी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी है, दो रूल ये बन गए आपके, ठीक है जी। इज एम आर यूं का यूं सेम टू सेम, बस ING की जगह बींग लगा दो। वॉज वर यूं का यूं सेम टू सेम, बस ING की जगह बींग लगा दो। तो कीजिए सॉल्व, वॉज और ING आया हुआ है तो क्या लगेगा, वॉज वर यूं के यूं रहेंगे और ING के लिए बींग लग जाएगा। बींग को ढूंढ लो, बींग को ढूंढ लो, ठीक है, बींग को ढूंढ लो भाई। इसके अंदर क्या आपको बींग दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ख़त्म करो। बींग दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ख़त्म करो। बींग दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ख़त्म करो। बींग ये रहा भाई, वॉज बींग डस्टेड थर्ड फॉर्म, डी इज़ द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ईजी था, ईजी था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, स्पेशल बसेस विल फेरी, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना, बस इस पे चले जाओ, बस इस पे चले जाओ। अभी मैंने बताया था जो मोडल्स होते हैं उनके साथ बी लग जाता है, अभी बताया था मोडल्स होते हैं उनके साथ बी लग जाता है, ठीक है जी। तो बी को ढूंढ लो, बींग आ गया, ख़त्म, बीन आ गया, ख़त्म। यहाँ पे इन्होंने विली गायब कर दिया, जो विल शैल है, विल शैल तो आएंगे ना, ये तो गायब ही कर दिया यहाँ से, इसको तो ख़त्म ही करो, ये आ गया अपना विल भी। डी ऑप्शन आपका राइट है। कितने आसान तरीके से सॉल्व हो रहे हैं ना, जल्दी जल्दी बताओ एक बार, आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो ना क्वेश्चंस को। एलिमिनेशन मेथड सबसे बेस्ट होता है, रीजनिंग के अंदर लगा लो, मैथ्स के अंदर लगा लो, किसी भी सब्जेक्ट में एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट। ओके जी, सबका राइट है डी आंसर, वेरी गुड, इंटेलिजेंट बन गए आप लोग तो। ये वाला सॉल्व कीजिए, क्या देख रहे हो इसके अंदर आप लोग, इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको मॉडल दिखाई दे रहा है ना, कैन दिखाई दे रहा है ना, तो कैन के साथ क्या लगा देना है हम लोगों ने, कैन के साथ बी लगा देना है, क्या लगा देना है, बी। तो कैन बी ढूंढ लो, नहीं है कैन बी, ख़त्म, नहीं है कैन बी, ख़त्म, नहीं है कैन बी, ख़त्म, ये रहा कैन बी। डी आपका राइट आंसर है, डी आपका राइट आंसर है, ठीक है जी। समझ आ रहा है,
वेरी गुड, इससे अच्छी ट्रिक कभी कहीं नहीं मिलेगी आपको। अब आपको ये लग रहे हैं कि इतने इजी इजी क्वेश्चन है, अगर ये ट्रिक पता ना होती और क्वेश्चन को यूं बनाते आप लोग कि पीछे से ऑब्जेक्ट उठाया, आगे से सब्जेक्ट को पीछे लेके गए, वर्ब को चेंज किया, तो कितना टाइम लगता? बहुत ज़्यादा टाइम लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आप लोगों के सामने इम्पेरेटिव वाला आ गया भाई। इम्पेरेटिव वाले में क्या होता है, इम्पेरेटिव वाले में लेट से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? लेट। बस इतना ध्यान देना है हम लोगों ने। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि जो सेंटेंस आपके वर्ब से शुरू होंगे, जो सेंटेंस वर्ब से शुरू होंगे उसको किससे शुरू कर देना है? पैसिव वॉइस में लेट से शुरू कर देना है, लेट से। ठीक है जी। हाँ, सबको समझ आ रहा है ना? क्लास को शेयर करके आओ फटाफट, जल्दी करके आओ, तब तक इसको सोल्व करते हैं। लेट ढूंढना है भाई, इसमें तो लेट दिखाई नहीं दे रहा। ये रहा लेट, ये भी नहीं है। सी आपका राइट आंसर है। लेट द न्यू ईयर, लेट द न्यू ईयर, फिर क्या लगा देना है? बी। क्या रूल होता है वैसे तो? लेट फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर लगेगा बी, ऐसे होता है। ठीक है, तो लेट द न्यू ईयर बी सेलिब्रेटेड विद अमेजिंग ऑफर्स, सेम टू सेम। ठीक है जी, इतना क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, करिए भाई सोल्व, सोल्व करो ये क्वेश्चन, आप लोग बताएंगे अब। इम्पेरेटिव है ये कैसे पता चलेगा? नरेश अभी बताया तो था जो सेंटेंस वर्ब से शुरू होंगे, सेलिब्रेट आया था ना, सेलिब्रेट वर्ब थी ना, वर्ब से शुरू था वो सेंटेंस, वर्ब से शुरू होंगे वो इम्पेरेटिव है। वर्ब को तो पहचान लोगे सेंटेंस में देखते ही, बिल्कुल सब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर। देखिए भाई इसको सॉल्व करो फटाफट, छाटो एलिमिनेट करो। शुड दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? शुड। तो क्या है शुड? मॉडल है, मॉडल यूं का यूं रहता है, इसके साथ बी मिल जाएगा बस। क्या मिल जाता है? बी मिल जाता है। तो देखिए भाई इसमें शुड के साथ बी नहीं है, ख़त्म। शुड बी है हो सकता है, इसमें शुड बी है हो सकता है, शुड बी है हो सकता है। ओके जी, ठीक है जी। मैंने बोला था सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में लेके जाओगे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में नहीं रखेंगे, तो सब्जेक्ट टीचर का टीचर कैसे रह गया? ख़त्म करो इसको, टीचर का टीचर कैसे रह गया? ख़त्म करो इसको। बस सी आपका राइट आंसर है। दो या तीन रूल ही देखने हैं हमने, उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व है। और HSSC हर एग्ज़ाम में वॉइस 100% देती है, वॉइस और नरेशन। ठीक है, वॉइस और नरेशन 100% आती है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये रहा। इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो मेरे को। सई कुमारी गेव, कौन सी फॉर्म है गेव? गेव कौन सी फॉर्म है बताओ जल्दी जल्दी। सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म किस में चेंज? वॉज वर्ब में चेंज। तो हमें क्या ढूंढना है? वॉज वर्ब ढूंढना है। इज आ गया, बात ख़त्म। वॉज आ गया, हो सकता है, वॉज आ गया, हो सकता है, कुछ भी नहीं आया, बात ख़त्म। बच गए ये दो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होनी होनी चाहिए। गेव कहाँ से आ गया? ख़त्म। बी आपका राइट आंसर है, बी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल। रितिका नरेशन भी करेंगे, नरेशन भी करेंगे। वकैब का है ना, एक अलग से मैराथन लेके आएंगे वकैब की, ठीक है, उसके अंदर ट्रिक से करेंगे। जो बैच वाले बच्चे हैं उनको पता भी होगा ट्रिक से मैराथन करते हैं, तो वकैब का अलग से सेशन लेके आएंगे एक। ये वाला क्वेश्चन हो गया भाई सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला कीजिए। अब इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस को अगर आप एग्ज़ाम में देखते तो वैसे ही दिमाग चकरा जाता, इसीलिए हम सेंटेंस की बजाय सीधा वर्ब पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है जी, वर्ब पे कंसंट्रेट करते हैं। देखिए, एट द लास्ट मोमेंट अ फायरमैन पुल्ड आउट, मिल गई हमें वर्ब, सेकेंड फॉर्म है, कौन सी है? सेकेंड फॉर्म। तो क्या ढूंढेंगे सेकेंड फॉर्म? क्या ढूंढेंगे? वॉज वर्ब ढूंढेंगे, वॉज वर्ब ढूंढेंगे ना।
डिटेल से बताओ मैम, डिटेल से अगर भाई बताने लगी ना तो दो घंटे के अंदर एक टॉपिक होएगा। और मैराथन इसीलिए बोलते हैं कि जल्दी जल्दी कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा कंटेंट दिया जाए, ठीक है जी, कम टाइम के अंदर ज़्यादा कंटेंट दिया जाए। अगर आप चाहते हो कि डिटेल में बताना है, एक दो क्लास और ले आएंगे, आप लोग टॉपिक बता देना, वो टॉपिक उस क्लास में कर लेंगे, ठीक है जी, टेंशन मत लिया करो, आप लोग अपनी फरमाइशें बताया करो बस। पुल्ड आउट है भाई, सेकेंड फॉर्म है, वॉजवर ढूंढ लो, हैड बीन कहाँ से आ गया, खत्म, वॉजवर है। ओके जी, मैंने बोला था थर्ड फॉर्म लगानी है, तो आई एन जी कहाँ से आ गया, खत्म, बच गए ये दो। दो के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, सब्जेक्ट को चेक कर लेंगे। एट द लास्ट मोमेंट अ फायरमैन सब्जेक्ट है, तो ये लास्ट में जाना चाहिए बाय अ फायरमैन, है ना, क्या जाना चाहिए बाय अ फायरमैन, तो बाय अ फायरमैन इसी के अंदर है, इसमें तो बाय मनोहर है, मनोहर तो ऑब्जेक्ट था ना शुरू में जाएगा, तो ये भी खत्म, तो डी आपका राइट आंसर है, डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। ओके जी, इसको सोल्व बाद में करेंगे, ये क्वेश्चन वाले इंटरोगेटिव है, इसको सोल्व कीजिए भाई, इसको सोल्व कीजिए। द एजुकेशनल कैंप इन डिफरेंट स्टेट्स हैव बीन, ये मिल गया भैया हमें, हैव बीन, वैसे तो ये क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ट्रिक ऐसी है एक दिन में 1000 वर्ड याद, बिल्कुल जी ऐसी ही ट्रिक है, ठीक है। तो देखिए भाई, हैज़ हैव बीन, हैज़ हैव यूं के यूं रहते हैं, तो यहाँ पे क्या है, इज कहाँ से आ गया, एक मिनट देखो भाई, यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, पैसिव वॉइस दे दिया, क्या दे दिया, पैसिव, और पूछ क्या लिया, एक्टिव, क्योंकि जो हैज़ हैव बीन होते हैं ना, बीन तो पैसिव वॉइस में लगता है, बीन तो पैसिव वॉइस में लगता है, तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने पैसिव वॉइस दे दिया और एक्टिव हमसे पूछ लिया, उल्टा घुमा दिया क्वेश्चन को, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हमें ये पता है कि हमारा जो बीन है वो तो हैज एव के साथ लगता है, किसके साथ लगता है, हैज एव के साथ लगता है बीन, ठीक है जी, तो हम इसके अंदर से हैज एव वाला ढूंढ लेंगे, और कुछ नहीं होना चाहिए, इज आ गया, बात खत्म, ठीक है, उसके बाद ये हैज एव है, ये हो सकता है, उसके बाद हैज अरेंज्ड, यहाँ पे देखो हैज हैव बीन पहले ही दे दिया, बीन तो पैसिव वॉइस में आता है, ये भी बात खत्म, फिर क्या था यहाँ पे, यहाँ पे मेरे को कहीं हैज हैव दिखाई नहीं दे रहा, फोर्थ वैसे कट गया, तो थर्ड बच गया आपका, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन हैज अरेंज्ड आया हुआ था ना, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जो ये एजुकेशनल कैंप स्टेट्स है ना, इनके अकॉर्डिंग हैव में चेंज हो जाएगा और बीन लग जाएगा, सेम ऐसी बात यहाँ पे दे रखी थी, हैव बीन, ठीक है जी, ओके, बिल्कुल बात खत्म, हाँ खत्म करते जाया करो बातों को साथ की साथ। ये वाला कीजिए भाई सॉल्व, इजी है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब देखो, सेंटेंस मत पढ़ो, सिर्फ वर्ब देखो, द गवर्नमेंट इज वरिंग, बस देख ली मैंने वर्ब, इज एम आर आया है, इज एम आर यू का यू रहेगा, आई एन जी आ गया, आई एन जी तो बींग लग जाएगा, इज एम आर यू का यू और साथ में क्या लग जाएगा, बींग, बींग वाला ढूंढ लो, बींग वाला, इधर भी बींग है, इधर भी बींग है, यहाँ पे बींग नहीं है, खत्म करो, और इधर भी बींग नहीं है, खत्म करो, दो तो कट गए अपने, दो कट गए ना अपने, बच गए दो, उनमें से चेक कर लो, देखो भाई यहाँ तक तो सेम 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 चल रहा है, दोनों यहाँ पे आ गया भाई, द गवर्नमेंट इज द नॉर्दर्न रीजन इज, तो बस क्या करना है, गवर्नमेंट तो सब्जेक्ट था ना, और यहाँ पे इसने सब्जेक्ट ही रख लिया, तो इसको भी हटा दो, बच गया आपका बी, तो बी आपका राइट आंसर है। प्रीति शायद आप शुरू से नहीं जुड़े इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा, शुरू से ही हर सेंटेंस के अंदर सेम टाइप करते जा रहे हैं हम, डिट्टो सेम टू सेम चीजें करते जा रहे हैं, और फटाफट आंसर भी आ रहे होंगे आप सभी के, सेम चीजें करते जा रहे हैं भाई, ठीक है।
ओके जी, अगर हेड आए तो, अगर हेड आ जाए ना सुनील लांबा, तो जैसे हैज ओ के साथ बीन लगता है ना, हेड के साथ भी बीन लगेगा। अगर हेड आ जाए तो हेड के साथ भी बीन लगेगा, हेड हेड ही रहेगा, हेड हेड ही रहेगा। ओके, हेड हेड ही रहेगा, बीन लग जाएगा उसके साथ भी, जैसे हैज ओ के साथ लगता है। ये वाला सोल्व कीजिए भाई, ये वाला सोल्व कीजिए जल्दी जल्दी, फटाफट से आंसर बताइए। द पार्टनर विल सेलिब्रेट, तो क्या आएगा, बी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बी, ढूंढ लो बी को। विल को वुड में थोड़ी ना चेंज करेंगे, पास्ट में थोड़ी ना लेके जाएंगे, वो तो नरेशन में होता है, खत्म करो इसको, वुड थोड़ी ना आएगा, खत्म करो। हैव बीन कहाँ से आ गया, हमें तो बी लगाना है सिर्फ, खत्म करो, बी आपका राइट आंसर है। द ट्रंप विल बी सेलिब्रेटेड बाय पार्टनर टुमारो, ठीक है जी, ओके जी, हाँ जी, पास्ट परफेक्ट हो, वही तो बता रही हूँ, पास्ट परफेक्ट, अगर हैड और थर्ड फॉर्म आया हुआ है ना, तो वो हैड बीन थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जैसे हैज ओ के साथ बीन लगाते हैं वैसे इसके साथ बीन लगा देंगे, बस सेम बात है बिल्कुल। अब आ जाते हैं भाई इंटरोगेटिव क्वेश्चंस के ऊपर, ये रहा आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन, करो इसको सोल्व। इंटरोगेटिव में क्या होता है, जो हु है ना हु, वो बाय हुम में चेंज हो जाएगा, बाय हुम में चेंज हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ओके ठीक है जी, तो देखिए हु को चेंज किया बाय हुम में, सबके अंदर ही बाय हुम दे रखा होगा, इसमें नहीं है बाय हुम, खत्म करो, तीन बच गए अपने, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए ब्रोक कौन सी फॉर्म है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन सेकंड फॉर्म है, तो क्या ढूंढना है, वॉज वर्ब ढूंढना है, वही काम करना है जैसे अभी सिंपल सेंटेंस के अंदर करते आ रहे थे, सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब ढूंढना है, ढूंढ लो फिर, वॉज है, वॉज है, ठीक है, हेड आ गया, खत्म करो इसको भी यहाँ से, ये भी वॉज है, ये भी वॉज है, द वॉल पेंटिंग ब्रोकन, ये तो सेम ही है भाई, बाय होम वॉज द वॉल पेंटिंग ब्रोकन, ए और डी ऑप्शन सेम है भाई, तो यही आपका राइट आंसर है, ठीक है जी। परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस तो चेंज नहीं होते, बिल्कुल ज्योति, वो चेंज नहीं होंगे, जिस सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी आपको बीन मिलेगा ना, एक्टिव वॉइस में अगर उसने बीन दे दिया तो वो चेंज होएगा नहीं, जैसे अभी पिछला सेंटेंस किया था हम लोगों ने, बीन आया हुआ था तो उसको हम पैसिव से एक्टिव में लेके गए थे, वो पैसिव से एक्टिव में चला जाएगा, एक्टिव से पैसिव में नहीं आएगा। नमस्ते जी कुशल, ठीक है जी, ये वाला हो गया सॉल्व आपका, उसके बाद ये वाला कीजिए, ये वाला सॉल्व कीजिए भाई जल्दी जल्दी। बाय हुम वॉज द लैपटॉप, अभी बाय हुम इसने क्या कर दिया, वही वाला जैसे पिछला सेंटेंस हमने पैसिव में चेंज किया था ना, इसने पैसिव खुद दे दिया और एक्टिव ऊपर लिख लिया, ठीक है, पैसिव खुद दे दिया और एक्टिव एक्टिव हमसे पूछ लिया, तो बाय हुम किससे निकल के आया था, हु से निकल के आया था, हु को ढूंढ लो, सब में हु है, ओके जी। वॉज आया हुआ है, वॉज, अभी मैंने बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है वॉज वर्ब में चेंज हो जाती है, तो अभी मैं अगर इसका उल्टा बोल दूं कि भाई वॉज वर्ब है तो क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उल्टा ही बोला है बस, वॉज वर्ब है तो क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है जी। भाई सबका अपना अपना तरीका है, कोई हरियाणवी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, तो सेकंड फॉर्म ढूंढ लो भाई, स्टॉल हो सकता है, हैड स्टोलन, खत्म, स्टील्स फर्स्ट फॉर्म, खत्म, स्टीलिंग आने का कोई मतलब ही नहीं था, खत्म, ए आपका राइट आंसर है, ए आपका राइट आंसर है, ओके जी, ठीक है। हु स्टोल द लैपटॉप, अगर इसको जैसे हम उसमें चेंज करते हैं ना पैसिव वॉइस में, तो ये बनेगा बाय हुम वॉज द लैपटॉप स्टोलन,
एक्टिव से पैसिव भी हो गया, पैसिव से एक्टिव भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला भाई कीजिए सॉल्व। Weren't you told about the new policies of resigning? बताइए भाई, बताइए जल्दी, इसका आंसर दीजिए मेरे को, कौन देगा? देखिए डरना नहीं है बिल्कुल भी, यहां पे देखो वॉज और वर आया हुआ है, मतलब वरंट वर आया हुआ है, वर नॉट। वॉज और वर, वॉज और वर कहाँ से निकल के आते हैं? सेकेंड फॉर्म से निकल के आते हैं। कहाँ से निकल के आते हैं? सेकेंड फॉर्म से। ओके जी, ये हमें पता था, पता रखा है, ठीक है। अब मेरे को ये बात बता दो, जो सेकेंड फॉर्म वाला, अब ये सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो जो सेकेंड फॉर्म वाला सेंटेंस होता है यानी कि पास्ट इंडेफिनेट होता है, उसमें इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डिड। अगर फर्स्ट फॉर्म होती ना तो डू और डज लगाते हैं। ये बातें तो हम लोग फोर्थ फिफ्थ क्लास में पढ़ते थे, है ना। सेकेंड फॉर्म है तो डिड लगाते हैं इंटरोगेटिव बनाने के लिए, फर्स्ट फॉर्म है तो डू डज। ओके जी, तो बस वॉज पर आया हुआ था, हमें डिड ढूंढना है। क्या ढूंढना है? डिड। एक ही के अंदर है, किस्मत हमारी इतनी अच्छी है, बाकी सारे कट गए, एक ही के अंदर डिड है, तो सी आपका राइट आंसर है, ठीक है जी। डिडंट एनीवन टेल यू अबाउट द न्यू पॉलिसीज ऑफ रिजाइनिंग, वही काम करना था, पैसिव से एक्टिव में उल्टा आना था, उल्टे आए हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये वाला बताइए, इसको सॉल्व कीजिए, सेंटेंस की हिंदी भी बताओ। डोरेमोन हिंदी पढ़ते रह जाओगे एग्जाम के अंदर, अगर यूं सेंटेंस पढ़ने लगे ना तो एग्जाम में हिंदी ही पढ़ते रह जाओगे। इसको सॉल्व कीजिए। वेयर डिड दे फाइंड द रेड बैग, डिड आया हुआ है भाई, डिड। तो डिड क्या होता है? सेकेंड फॉर्म होती है ना, सेकेंड फॉर्म किस में चेंज होती है? वॉज वर्ब में होती है। ओके, बस यही ढूंढना था हमें, तो वॉज वर ही ढूंढना है हमें, ठीक है जी। वॉज आया हुआ है, हो सकता है, इज आ गया खत्म, हैज आ गया खत्म, ये भी वॉज है, ये भी हो सकता है। अभी मैंने क्या बता रखा है? दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, आपको थर्ड फॉर्म लगानी ही लगानी है पैसिव के अंदर, कुछ भी हो जाए चाहे, ठीक है। वॉइस और नरेशन की थ्योरी, एक सेशन और लेके आएंगे सुमन, उसके अंदर मैं आप लोगों को वॉइस और नरेशन की थ्योरी करवाऊंगी। आज क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं तो इसलिए फटाफट करने हैं हमें, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भाई फाउंडेड, ए आपका राइट आंसर है। डी क्यों बोल रहे हो, डी क्यों बोल रहे हो, ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये रहा भाई, इसका आंसर बताइए, इंटरोगेटिव है, बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ, फटाफट से सॉल्व करो। इंग्लिश का इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंग्लिश का इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, वॉइस नरेशन मोडल्स सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके, सी आंसर दे रहे हैं भाई सभी बच्चे, चलो चेक करते हैं। डज आया हुआ है भाई, डज तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में चेंज होती है। ओके, पता चल गया हमें, तो अभी हमें क्या ढूंढना है? इज एम आर ढूंढना है, इज एम आर ढूंढना है, इज एम आर गलत, इज एम आर नहीं है, इज एम आर नहीं है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, आर बुक्स परचेज्ड बाय हिम फ्रॉम द स्टोर, सी आपका राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, अभी इसी बात पे क्लास को शेयर कर दो जल्दी जल्दी, कितना अच्छा तो पढ़ाने लग रही मैं। ये वाला वॉइस का लास्ट क्वेश्चन है भाई, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ये वाला वॉइस का लास्ट चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन है।
वो इसका लास्ट क्वेश्चन है। बताइए भाई, हु एट द लास्ट पेस्ट्री? एट कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है, ईट एट ईटन, ईट एट ईटन सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म में हमें क्या ढूंढना है? वोज वर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? वोज वर। तो ढूंढ लो भाई, वोज आ गया हो सकता है, वोज आ गया हो सकता है, हैड आ गया खत्म, हैज आ गया खत्म, ये तो हो गया कट। अभी मैंने आप लोगों को अभी पिछले ही सेंटेंसों में बताया था कि हु होता है ना, वो बाय होम में चेंज होता है। हु जो होता है वो बाय होम में चेंज होता है। यहाँ पे तो बाय हु है, इसको भी ख़त्म करो। ए आपका राइट आंसर है, ए आपका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है जी, समझ आ रहा है? जय हिंद भाई सभी को, समझ आ रहा है ना? तो ये तो थे भाई आपके वॉइस के, ठीक है। अभी और क्वेश्चन लेके आती हूँ मैं आप लोगों के सामने, आप तब तक शेयर करो फटाफट क्लास को, जल्दी जल्दी शेयर करो, जल्दी जल्दी, इतना टाइम मत लगाया करो। ये भी वॉइस ही आ गई भाई, चलो इसको बाद में कर, इसको और ख़त्म करो भाई। इसके अंदर और थोड़े बहुत रूल रहते हैं आपके वॉइस के, इनको भी ख़त्म करो जल्दी। फाउंड नहीं होगा मैम, फाउंड फाउंड होता है। हाँ जी, फाउंड फाउंड ही, फाइन फाउंड फाउंड ही होता है। क्या हो गया? फाइन फाउंड फाउंड ही होता है, फाइन फाउंड फाउंड ही होता है। शट द डोर। अभी पूछ रहे थे ना कि मैम कैसे पता चलेगा इम्पेरेटिव है, तो ऐसे पता चलेगा जी, वर्ब से शुरू है। किससे शुरू है? वर्ब से। शट आपकी वर्ब है, तो अभी क्या लगाना है? मैंने आपको क्या बताया था? लेट, फिर सब्जेक्ट और फिर बी, ऐसे करना है हमें, लेट और सब्जेक्ट और बी। ठीक है जी, ओके। तो ढूंढ लो कहाँ पे है लेट, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये रहा लेट, फिर ये सब्जेक्ट और फिर बी, ऐसी फॉर्म आई है ना, तो सी आपका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सॉल्व। ये रहा भाई, सॉल्व करो जल्दी से, कितना बड़ा सेंटेंस है ना, अगर सेंटेंस पढ़ोगे तो एग्जाम में वैसे ही टाइम चला जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब देखनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब देखनी है। बताइए भाई, हैव आंसर्ड देख लिया हमने, तो हैज है ही रहते हैं। अभी मैंने रूल है ना इतनी बार करवा दिए आपको, सेम लाइन इतनी बार करवा दी कि अब भी अगर एग्जाम में गलत करोगे ना तो करोगे भाई, तो करोगे ही। थ्योरी की भी लाएंगे भी, बहुत जल्दी क्लास लेके आएंगे थ्योरी की भी। तो हैज है वो बीन ढूंढ लो भी, हैज है वो बीन ढूंढ लो। इसमें तो मेरे को बीन ही दिखाई नहीं दे रहा कहीं पे, ख़त्म करो इसको। इसमें भी मेरे को कहीं पे बीन दिखाई नहीं दे रहा, ख़त्म करो इसको। कितने बड़े बड़े सेंटेंस है, क्या बीन के लिए कोई जगह नहीं थी कहीं पे? इसको भी ख़त्म। ये रहा भाई बीन, है ना, जहाँ पे अपने काम की बात मिल गई वहीं पे आपका ओके। फाउंडेड वाला करवा दिया, फाउंड वाला कर लेना, क्या हो गया? छोटी छोटी बात, आप इतने बड़े बच्चे हो, इतने समझदार बच्चे हो, एक बात को पकड़ के बैठ जाते हो। फाउंड वाला आएगा उसमें फिर, अगर फाउंडेड है तो फाउंड वाला आएगा। ये वाला हो गया भाई, हैज़ बीन आपका राइट आंसर है। यहाँ पे बस हमें हैज़ बीन मिल गया ओके। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कीजिए, ये वाला भाई, सेंटेंस नहीं पढ़ना, बड़े सेंटेंस को देख के डरना नहीं है, सिर्फ वर्ब पे पहुँच जाओ, सिर्फ और सिर्फ वर्ब पे पहुँच जाओ। पहुँच गए हम लोग वर्ब पे, ये रहा वर्ब, इलेक्ट फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज? फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज? इज एम आर में, इज एम आर में ओके। ढूंढ लो फिर, इज एम आर होना चाहिए, हैज बीन का कोई काम नहीं ओके, वोज का कोई काम नहीं
ओके, तीन ही ऑप्शन है क्या? चौथा ऑप्शन ही नहीं है, तीन में से ही छाड़ दो, आसानी है आप लोगों के लिए। तो ये रहा इज द ग्रुप लीडर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इधर बाय कंसेंसस बाय और बाय वॉइस नोट। आगे सेम टू सेम है भाई, ठीक है, यही आपका राइट आंसर है, बी, बी आपका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सबको सही समझ में आ रही है वॉइस, इतना बता दो बस। नहीं जी, हिसार से न्यूजीन से ही हूँ मैं, हो गया ना इंग्लिश का डर खत्म, ठीक है। ये वाला सॉल्व कीजिए, ये वाला सॉल्व कीजिए, देखो कितना बड़ा सेंटेंस है, डरना मत, डरना नहीं है किसी से भी, क्वेश्चन से ही क्लियर होता है जी, तभी तो इतने सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ। उसके अंदर अगर मैं थ्योरी करवाती क्या पता एक आधा रूल रह जाता हमारा, लेकिन इनके अंदर सारे रूल रिवाइज होएंगे आपके। इसका आंसर दीजिए, वेरी गुड, यस मैम। तो देखिए भाई, द राइटर हु पास्ड अवे रिसेंटली हैज ऑथर्ड, ये आ गया भाई, ये आ गया हैज। तो अब हमें क्या ढूंढना है, बीन ढूंढना है, क्या ढूंढना है, बीन। यहाँ पे तो वर ऑथर्ड आ गया, इसको खत्म करो, ठीक है। यहाँ पे बीन आया हुआ है, हो सकता है बीन आया हुआ है, हो सकता है बीन। हेड कहाँ से आ गया, हैज है तो अपने आप में ही घूमते हैं ना, हैज और हैव तो अपने आप में ही घूमते हैं, खत्म करो इसको भी। तो अब इनके अंदर है भाई, इनके अंदर बात है, तो अब मेरे को ये बता दो, हैव आपका राइट है कि हैज आपका राइट है? हैव राइट है तो राइट क्यों है, हैज राइट है तो हैज राइट क्यों है, ये बता दो बस, बताइए भाई जल्दी जल्दी। इस सेंटेंस के अंदर दे रखा है डजन नॉवल्स एंड ए नंबर ऑफ पोइट्री कलेक्शन हैव बीन या हैज बीन, बताओ भाई। देखो, अ नंबर ऑफ पोइट्री कलेक्शन, इसके साथ आपका सिंगुलर प्लूरल आएगा कि सिंगुलर आएगा, बस इतना बता दो जल्दी, बताओ। अ नंबर ऑफ पोइट्री कलेक्शन, अ नंबर ऑफ पोइट्री कलेक्शंस, इसके साथ हैज या हैव, यहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं बस सभी बच्चे, सभी बच्चे कलेक्शन के अकॉर्डिंग क्या लगा रहे हैं, हैव लगा रहे हैं, लेकिन कलेक्शंस नहीं देखना, अ नंबर ऑफ पोइट्री कलेक्शन देखना है, तो हैज आपका राइट आंसर है। प्लूरल नहीं आएगा जी, सिंगुलर आएगा, सिंगुलर आएगा, सारे बच्चे हैव बिन, हैव बिन, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। तो अ नंबर ऑफ एडजेक्टिव की क्लास, अभी नेक्स्ट एडजेक्टिव के क्वेश्चन भी आएंगे तब बताऊंगी ये बात मैं आपको, एडजेक्टिव के क्वेश्चन भी आएंगे तब बताऊंगी। अ नंबर ऑफ पोइट्री कलेक्शन, पोइट्री कलेक्शन जहाँ पे ये आ जाए ना, ये वर्ड आ जाए, वहाँ पे क्या होता है, सिंगुलर चीज़ें यूज होती हैं, नेक्स्ट हैज आएगा, हैव तो प्लूरल के। आप लोगों ने बस इसको देख लिया, कलेक्शंस को, कलेक्शन वर्ड देखते ही आप लोगों ने हैव लगा दिया, लेकिन कलेक्शंस वर्ड नहीं देखना, अ नंबर ऑफ कलेक्शन देखना है, अ नंबर ऑफ कलेक्शंस। हाँ जी परवीन, इंग्लिश इतनी ही आसान होती है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बताइए भाई इसका आंसर, सॉल्व करो भाई इसको। वेरी गुड, सॉल्व कीजिए इसको, बच्चे कम रह गए, फटाफट शेयर करो क्लास को जल्दी जल्दी। कितने टाइम किया, जब सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे उतने टाइम किया भाई क्लास। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, दे विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव आया हुआ है भाई, यही देखना है बस, हैज हैव आगे ना, तो बीन को तो हर हाल में ढूंढना है, हैज हैव आगे तो वीर को, विल को तो, इसको क्या बोलते हैं, बीन को तो हर हाल में ढूंढना है, ढूंढ लो फिर बीन को। ये राबीन हो सकता है, ये राबीन हो सकता है, यहाँ पे बीन नहीं है, ख़त्म करो, यहाँ पे बीन नहीं है, ख़त्म करो, ये दो रह गए भाई। तो इसके अंदर अलग कहाँ पे दिखाई दे रहा है, द वर्क विल हैव बीन कम्प्लीटेड बाय द टाइम वी गेट, वी गेट देयर। अभी मेरे को यहाँ पे बता दो, जो ये गेट और हैव गेट, हैव गोट है, इसके अंदर से कौन सा राइट है, ये बता दो, बताओ भाई।
इसके अंदर से कौन सा राइट है मेरे को ये बता दो। कोई कह रहा है मैम ए आएगा, सी तो कट ही लिया भाई, सी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ए और बी में से आएगा, तो मेरे को सही से आंसर बता दीजिए आप लोग, बताओ भाई जल्दी बताओ, वी गेट देयर या वी हैव गोट देयर। यही आपका राइट है, यही आपका राइट है। सपोज करो अगर ये इसको चेंज करते, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, अगर ये इसको चेंज भी करते तो इज एम आर में करते, हैव गोट तो आने का कोई ऑप्शन ही नहीं था ना, तो ए आपका राइट है। इतने कंफ्यूज मत हुआ करो, थोड़ा सा तो दिमाग ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख लिया करो। अगर मान लो वैसे याद नहीं आ रहा कि भी क्या लगेगा, डोंट नो क्या लगेगा, लेकिन यहाँ पे देख लो ना कि कम से कम ये तो नहीं लगेगा भाई, हैव गोट तो नहीं लगेगा, तो ए आपका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सॉल्व, बताओ भाई। द लिटिल बॉय आस्क द मैन, लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन, मिलगी वर्ब, इसके अकॉर्डिंग आंसर बता दो। अनंत विल बी नहीं आएगा, विल हैव के साथ बीन लगेगा, विल हैव के साथ बीन लगेगा, विल बी नहीं आएगा, क्योंकि अकेला विल नहीं है ना वहां पे, अगर अकेला जैसे फ्यूचर इंडेफिनेट होता आपका तो बी लगता। ठीक है जी, हाँ हैव है साथ में, इसीलिए हैव के अकॉर्डिंग बीन आएगा, बीन ही आएगा। इसको सोल्व करो भी, हो गया होगा सोल्व बिल्कुल। देखिए सेकंड फॉर्म है वॉज वर्ड ढूंढना है, सेकंड फॉर्म है वॉज वर्ड ढूंढना है, ढूंढ लो। यहाँ पे भी वॉज आस्क्ड है, यहाँ पे भी वॉज आस्क्ड है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, ख़त्म करो, बींग आ गया, एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ भी दे देते हैं, ख़त्म करो, बच गया ए और बी। अभी देखिए द लिटिल बॉय आस्क द मैन, इसके अंदर आपका ये ऑब्जेक्ट है या ये ऑब्जेक्ट है, ये तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, द मैन उठेगा, क्या उठेगा, द मैन, ओके, द मैन वॉज आस्क द वे टू एथेंस बाय द लिटिल बॉय, बिल्कुल, तो ए आपका राइट आंसर है, ए आपका क्या है राइट आंसर। सॉन्ग सॉन्ग मत करो आप लोग, कोई सिंगर हूँ मैं सॉन्ग सुना दूँ, सिंगर थोड़ी ना हूँ। पीपल आर रेजिंग, आ गया भाई बिल्कुल सिंपल सा, इज एम आर है, इज एम आर और आई एन जी है, ठीक है, इज एम आर यूं का यूं रहेगा, आई एन जी के लिए बींग लग जाएगा, लग गया जी, ढूंढ लो फिर बींग वाला, इज एम आर होना चाहिए और बींग होना चाहिए साथ में, इज एम आर और बींग, इज एम आर और बींग है भाई, हो सकता है ये, नेक्स्ट पे चलो, इज एम आर और बींग नहीं है, ख़त्म, इज एम आर और बींग है, हो सकता है नेक्स्ट वाले में इज बींग, ठीक है जी, ये तो सेंटेंस याद अधूरा दे दिया, पूरा सेंटेंस है ही नहीं, इसको तो वैसे ही ख़त्म कर दो। बच गया क्या, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, इनके अंदर देख लो कहाँ पे क्या क्या गलती हो रही है। अ ह्यू एंड क्राई इज बींग रेज एंड द फर्नीचर आर बींग ब्रोकन, फर्नीचर इज बींग ब्रोकन, अब मेरे को ये बता दो फर्नीचर के साथ आर आएगा कि इज आएगा, बता दो भाई, फर्नीचर के साथ आर या इज, फर्नीचर सिंगुलर है या प्लूरल है, बताइए जल्दी इस बात का जवाब दो, फर्नीचर के साथ आर आएगा कि इज आएगा। ए ए ए आंसर दे रहे हैं, ए कौन सा है, आर वाला है, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, तो इतने अच्छे बच्चे हो, सी इज द राइट आंसर, इज आएगा, फर्नीचर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर आता है, ठीक है जी,
इज आएगा. वेरी गुड. तो सी आपका राइट आंसर है, क्योंकि ए और सी में बस गलती यहाँ पे थी, इज और आर में, है ना. तो इज आपका राइट आंसर है. बहुत अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए ये वाला. वन कैन नॉट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स. इसका आंसर बताइए भाई, जल्दी बताइए. कैन नॉट आया हुआ है, कैन क्या है, मॉडल है, तो कैन के साथ बी भी दिखना चाहिए, कैन नॉट बी दिखना चाहिए. इसमें भी कैन नॉट बी है, इसमें भी कैन नॉट बी है, इसमें भी कैन नॉट बी है, इसमें भी कैन नॉट बी है. ओके जी, तो आगे सोल्व करो. आगे क्या देखना है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रखना है. ठीक है, तो करो इसको सोल्व. वन कैन नॉट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स. तो आपकी जो दीज प्रॉब्लम्स है ना जी, ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे. टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स, टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स, या फिर चिल्ड्रन को अगर उठाते हैं तो चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनी. चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड, आहा, ये हो सकता है. टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम चिल्ड्रन बाय वन. बी ही आपका राइट आंसर है, बी. एक बार आगे क्रॉस चेक कर लेते हैं. चिल्ड्रन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स बाय वन, कहाँ गया वन कैन नॉट. इस वन को क्या चेंज ही नहीं करना, इस वन को क्या चेंज ही नहीं करना. चेंज करोगे ना बाय वन में, तो बाय वन सिर्फ एक में ही है, इसमें है, और कहीं पे बाय वन है ही नहीं. तो बी आपका राइट आंसर, वेरी गुड. ठीक है जी, समझ आ रहा है. नेक्स्ट वाला सोल्व कीजिए. ये आ गया भाई इंटरोगेटिव, फिर वही है. डू, डज और डिड, ये सिर्फ हमें बताने आते हैं. क्या बताने आते हैं ये, कि जो डू और डज है ना, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जो डिड है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है. जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वो इज एम आर चेंज में, इज एम और आर में चेंज होती है, और जो सेकंड फॉर्म है ना, वो वॉज वर्ब में चेंज होती है. ये बात क्या पता मैं अभी अभी इस एक क्लास के अंदर 30 बार बता चुकी है, 35 बार, है ना. ठीक है जी, तो बस डू आया हुआ है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इज एम आर ढूंढना है. इज एम आर ढूंढ दो. इज एम आर है, आहा. इज एम आर है, आहा. इज एम आर है भाई, है भाई. इन दोनों में चेक करो. ये बींग अपनी मर्जी से कैसे दे दिया, बींग तो आई एन जी से होके आता है. आई एन जी आएगा तभी तो बींग आएगा. ख़त्म करो इसको, बच गया आपका सी ऑप्शन राइट है. सबका आंसर बिल्कुल राइट है भाई, सी, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए. वी आर रिचिंग, सेम वही वाला है. इज एम और आर, इज एम आर है, इज एम आर रहेंगे. आई एन जी के लिए क्या ढूंढना है, बींग. पहुंच जाओ बस ऑप्शन पे, इतना देखते ही तो ऑप्शन पे पहुंच जाओ, जल्दी जल्दी बींग ढूंढो. नहीं है, हट यहाँ से. नहीं है, हट यहाँ से. नहीं है, ख़त्म. ये भी तो यही आपका राइट आंसर है, इज़ बींग रीच्ड. द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ बींग रीच्ड बाय अस. राइट था, समझ आ रहा है. ठीक है जी, नेक्स्ट सोल्व कीजिए. नेक्स्ट वाला, ये तो नरेशन आ गई बीच में. नेक्स्ट वाला सोल्व कीजिए भाई. ये नरेशन आ गई भाई. अभी मेरे को ये बता दो, वॉइस वाला चैप्टर क्लियर हुआ है? कुछ कुछ क्या, मेरी तरफ से तो सारा ही क्लियर हो गया. वॉइस वाला चैप्टर क्लियर हुआ भाई? एक चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा वॉइस का, अभी नरेशन शुरू करेंगे. बता दो भाई एक बार फटाफट, तब तक मैं पानी पी लूँ. आप लोग मेरे को ये बता दो, यहाँ तक क्लियर हुआ है वॉइस कंप्लीट?